चेतावनी देने के बाद भी मनमानी से बाज नहीं आने वाले अतिक्रमणकारियों पर रविवार को नगर निगम द्वारा कार्रवाई की गई। इस दौरान नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश सिंह के नेतृत्व में अभियान के दूसरे दिन बुलडोजर के माध्यम से अतिक्रमण हटवाया गया। हल्ला गाड़ी से मशहूर जेसीबी मशीन को देखते ही पटरियों पर कब्जा जमाए अतिक्रमणकारियों में अफरा तफरी का माहौल बन गया और वे अपने सामानों को ठिकाने लगाने में जुट गए। इस दौरान कुछ जगहों पर नगर निगम प्रशासन का कब्जा धारियों से नोकझोंक भी हुई और कुछ ने हाथ जोड़कर मिन्नतें भी की, लेकिन उनकी एक ना चली। नगर निगम प्रशासन मुस्तैदी से डटा रहा और कब्जा हटाकर अतिक्रमण हटाओ अभियान को जारी रखा। महानगर की ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए नगर निगम प्रशासन ने मुख्य चौराहों से 25 मीटर की दूरी पर जितने भी होल्डिंग्स और होल्डिंग्स के पीछे अवैध रूप से पटरियों पर कब्जा जमा कर रहने वाले पर नगर निगम प्रशासन ने बुलडोजर के माध्यम से कब्जा से मुक्त कराया। महानगर को सुंदर बनाने के लिए पटरियों से कब्जा हटाकर नए सिरे से पैडवे बनाकर पैदल चलने वालों के लिए सुविधाजनक व्यवस्था नगर निगम प्रशासन के माध्यम से किया जाएगा। इस दौरान अभियान में अपर नगर आयुक्त डीके सिन्हा, संयुक्त नगर आयुक्त सुमित कुमार, मुख्य अभियंता सुरेश चंद, नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मुकेश रस्तोगी, अधिशासी अभियंता मनोज श्रीवास्तव, राजस्व निरीक्षक अवध किशोर श्रीवास्तव, अनिल कुमार सहित नगर निगम की पूरी टीम मौजूद रही। इस संबंध में गोरखपुर ने संवाददाता से बात करते हुए नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश सिंह ने कहा। पानी गिरी उसे नहीं मतलब Thank you.
चौराहों पे जो अवैध होर्डिंग्स लगा दी गई हैं, चौराहों पे होर्डिंग के पीछे जिन लोगों ने अवैध कब्जा कर रखा गया है, नगर में चौराहों के सौंदर्यीकरण का अभियान चलाया जा रहा है। उसी क्रम में ये अवैध कब्जे, अवैध होर्डिंग्स, इनको हटाया जा रहा है। ये जो पटरी देख रहे हैं पैदल चलने वालों के लिए है, इसको सफाई करा करके इसमें नए सिरे से पटरी डला करके पेडेस्ट्रियन वे बनाया जा रहा है। तो उसी क्रम में पूरी कार्रवाई की जा रही है ताकि नगर में ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू रूप से चल सके।